मंगल की सतह पर दिखे मशरूम। चार घटनाएं ऐसी हैं जो वैज्ञानिकों को एलियन की तरफ इशारा करने को मजबूर करती हैं। आइए जानते हैं। मंगल ग्रह की सतह पर उगे मशरूम। हैरानी तो हो रही होगी आपको कि लाल ग्रह की सतह पर, जहां जीवन के लायक वायुमंडल तक नहीं है, वहां पर मशरूम उग कैसे सकते हैं? आइए जानते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स रोवर ने अपने कैमरे में इन मार्स मशरूम की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें आज की नहीं है, ये तस्वीरें साल 2004 की हैं। लेकिन हाल ही में हुई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि यह मशरूम जैसे दिखाई देने वाले हेमेटाइट कॉन्क्रीशन है। हेमेटाइट लोहा और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ये हेमेटाइट कॉन्क्रीशन गोलाकार रूप के होते हैं, जिसमें हेमेटाइट मिनरल काफी मात्रा में भरा हुआ होता है। इस धातु का उपयोग धरती पर भी काफी मात्रा में किया जाता है। ये गोलाकार हेमेटाइट काफी लंबे समय से धरती की सतह पर जमे हुए होते हैं। जब मंगल की सतह पर गर्मी अधिक बढ़ जाती है और सतह की नमी भाप बनकर उड़ जाती है, तभी यह लोहे के अवयव उस नमी को पकड़ते हैं, फिर हवा के साथ क्रिया करके गोले जैसे बन जाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह किसी ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से भी हो सकता है। कायदे से तो ये मशरूम है ही नहीं। जिस जगह पर साल 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने लैंड किया, वहां के चारों तरफ ये भारी मात्रा में मौजूद थे। मंगल ग्रह की सतह खोदी गई तो उनमें से ये गोलाकार आकृतियां बाहर आईं। ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रह पर इन गोलाकार आकृतियों को एलियन जीवन से जोड़ा गया है। इससे पहले भी 7 अगस्त 1996 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने व्हाइट हाउस में ये कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने साल 1984 में अटलांटिका से गोलाकार पिंड जमा किए थे, जिसके अंदर प्राचीन जीवाश्मीकृत कीड़े मौजूद थे। बिल क्लिंटन ने यह दावा किया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव। इस उल्कापिंड का नाम था ALH-8401। यह पत्थर भी मंगल ग्रह से धरती पर आया था। यह मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी फटने की वजह से या फिर किसी एस्टेरॉयड के टकराने के बाद हुए धमाके से उड़कर धरती की ओर आया होगा। धरती पर आने से पहले उसने अंतरिक्ष में लाखों साल की यात्रा भी की होगी। इसके बाद जाकर धरती के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अटलांटिका में आकर गिरा होगा। जब वैज्ञानिकों ने ताकतवर माइक्रोस्कोप से इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तो उन्हें ये पता चला कि अब ये जीवाश्म बन चुके हैं। ये करोड़ों साल पुराने हैं। हालांकि इनकी सही उत्पत्ति की जगह और समय का पता नहीं चल पाया था। आज भी कई साइंटिस्ट इन्हें लेकर विवाद करते रहते हैं, साथ ही अपनी अपनी थ्योरी भी देते हैं। कई वैज्ञानिकों का यह दावा है कि अक्सर अकार्बनिक प्रक्रियाओं से ऐसी स्थिति बनती है, जिससे हमें यह लगता है कि आसपास कई जैविक या कार्बनिक आकृतियां बन गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज जीवित या जीवो जैसी दिखती है, तो उन्हें जरूरी नहीं कि वो जीवन का संकेत हो। साल 1970 में नासा के बाइकिन रोबोटिंग लैंडर ने मंगल ग्रह पर कई प्रयोग किए। उसने जमीन की सतह की जांच की ताकि यह पता चल सके कि वहां पर सूक्ष्म जीव मौजूद हैं या नहीं। मंगल की मिट्टी पर रसायन भी डाले गए। ये रोबोटिक लैंडर खुद ही ये सारी प्रक्रियाएं कर रहा था। एक सैंपल में रोबोट ने मंगल की मिट्टी पर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को मिलाया। इसके पीछे वजह यह थी कि अगर कोई विकसित होता हुआ जीवन या माइक्रोस्कोप है तो उसे सोख लेगा, बाद में धीरे धीरे कार्बन 14 हवा में गायब हो जाएगा। लेकिन वाइकिंग की जिस चैम्बर में यह प्रोसेस चल रहा था, वहां गर्मी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वैज्ञानिकों को यह लगा कि इतनी गर्मी बढ़ने से माइक्रोब मारे जाएंगे। लेकिन यहां अजीब ही हुआ। चैम्बर के अंदर कार्बन 14 की मात्रा मंगल की मिट्टी से रिएक्ट करने के बाद बढ़ने लगी, जबकि उसे खत्म होना था। आखिरकार गर्मी इतनी बढ़ गई कि चैम्बर के अंदर पानी उबलने लगा, ज्यादा तापमान बन गया। हालांकि इस प्रयोग का कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को ऐसे वातावरण में खत्म होना चाहिए था जो बढ़ता चला गया
वो भी अधिक तापमान के साथ। हाल ही में मंगल ग्रह पर छोटी मात्रा में हमें मीथेन गैस मिली थी। यह गैस ये बताती है कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीव हैं, क्योंकि धरती पर रहने वाले सूक्ष्मजीव मीथेन गैस से ही निकलते हैं। लेकिन इस बात से भी यह पता नहीं चल सका कि मंगल पर जीवन है या नहीं, क्योंकि कई अकार्बनिक प्रक्रियाओं की वजह से यहाँ पर मीथेन गैस उत्सर्जन होता है। यहाँ तक कि पत्थर ज़्यादा गर्म होते हैं तो मीथेन गैस निकालते हैं। 1977 में अमेरिका के विग ईयर टेलीस्कोप ने एक अजीबोगरीब रेडियो सिग्नल को पकड़ा था। यह सिग्नल कुछ ही मिनटों के लिए था, लेकिन बहुत ताकतवर और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बेहद ही पतली थी। वैसा ही सिग्नल आज तक फिर नहीं पकड़ा गया। उस समय जो एस्ट्रोनॉमर रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे, उन्होंने सिग्नल के प्रिंट आउट पर लाल पेन से गोला बनाया और लिखा वाओ। कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह सिग्नल धरती के बगल से निकल रहे धूमकेतु से आया होगा या फिर किसी सैटेलाइट का होगा, लेकिन आज तक उस सिग्नल की उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया। मंगल ग्रह से लेकर अटलांटिका तक, यूएफओ से लेकर एलियन को देखने तक की कई कहानियां ऐसी हैं जिनके पीछे का रहस्य आज तक खुल नहीं पाया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कहा था कि उन्होंने एलियन को देखा है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं इसे लेकर लगातार बहस चल रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नासा के साथ मिलकर एलन मस्क की कंपनी स्पेस इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे 200 के पूरे होने वाले हैं गाइस, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, लव यू, थैंक यू ऑल।